लेकिन एक और बज़ है आज मार्केट में, हालांकि उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट है, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को भारत फाइनेंशियल, अगर आप देखेंगे भी तो आज के सेशन में एक स्ट्रांग स्पर्ट है भारत फाइनेंशियल में, और उसके पीछे एक बज़ है, और बज़ ये है कि भारत फाइनेंशियल का इंडसइंड बैंक में मर्जर हो सकता है। क्या और डिटेल्स हैं ये समझ लेते हैं मेरे सहयोगी सुमित से। सुमित, पहले भी हमने देखा है कि इंडसइंड बैंक से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आई हैं, पहले भी बैंक ने इस तरह के इंडिकेशंस दिए हैं कि वो अपना जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसमें वो एक्सपैंड और वेंचर करना चाहते हैं। अभी जो बस है मार्केट में वो क्या है? देखिए दीपाली, भारत फाइनेंशियल के साथ भी पहले खबर आ चुकी है कि उनको कोई एक बड़ा जो बायर है वो ले सकता है। दरअसल एक ज़माने में जब SKS माइक्रो फाइनेंस होता था तब भी इसके बिकने की बातचीत हुई थी, लिस्टिंग के बाद उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि इंडसइंड बैंक अपना जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है उसके विस्तार के लिए शायद इसको विलय कर सकता है, भारत फाइनेंशियल खुद में विलय कर सकता है इंडसइंड बैंक। अगर होता है तो 1:1.5 ये एक स्वैप रेशियो दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 850-860 रुपये के आसपास ये कीमत बैठती है जो कि स्वैप रेशियो के हिसाब से होगी। अमोल शेयर आज सुबह के सत्र में उसी के आसपास ही कामकाज भी कर रहा था। एक क्रूशियल चीज जो यहां पर आ रही है वो ये कि अगर माइक्रो फाइनेंस कारोबार में इंडसइंड विस्तार करता है तो इंडसइंड के लिए तो एक बड़ा वेन्यू खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा ही, साथ साथ भारत फाइनेंशियल को भी एक अच्छे वैल्यू पर एग्जिट करने का मौका मिल सकता है इस कंपनी में से। हालांकि भारत फाइनेंशियल ने इस खबरों का डिनाय किया है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, पहले ही बातचीत आई थी लेकिन जो सब रूमर्स हैं उसको डिनाय करते हैं। इंडसइंड बैंक से हालांकि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। दोनों कंपनियों का कंपैरिजन देखें तो भारत फाइनेंशियल के रेवेन्यूज करीब करीब 1160 करोड़ रुपए के आसपास, जबकि इंडसइंड 11500 करोड़, यानी 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा रेवेन्यूज जनरेट करता है इंडसइंड बैंक। लोन पोर्टफोलियो भी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का भारत फाइनेंशियल का है, जबकि इंडसइंड करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का, यानी 10 टाइम बिगर साइज है इंडसइंड बैंक का कंपेरेटिवली भारत फाइनेंशियल के। तो विलय अगर होता है तो एक विन सिचुएशन हो सकती है भारत फाइनेंशियल के लिए क्योंकि अच्छी वैल्यू मिलेगी, और एक विन सिचुएशन हो सकती है इंडसइंड बैंक के लिए क्योंकि उनको जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है उसमें विस्तार करने का मौका मिलेगा, स्पेशली सदर्न इंडिया में। जी, यानी दोनों ही कंपनियों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर ये मर्जर होता है तो। लेकिन देखना होगा कि जिस प्राइस पर ये डील होगी, जो शेयर स्वैप के जरिए जिस तरह का बज़ भी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि एक अच्छा बज़ आज हमने देखा था भारत फाइनेंशियल के स्टॉक में, उसके बाद इंडसइंड बैंक हालांकि अभी डेलो पर आ चुका है। बहुत संक्षेप में आशीष, क्या राय आपके दोनों स्टॉक्स पर? नहीं, भारत फाइनेंशियल तो अभी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आप देखें, कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी, एक बड़ा स्टेक इसका सेल हुआ था एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तब से इसमें जो मोमेंटम आया है ऑलमोस्ट 650 रुपये से, वो अभी तक मोमेंटम इसमें कायम है। कहीं भी स्लगिशनेस, कहीं भी साइंस ऑफ बियरिशनेस नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ऑल्दो फंडामेंटली थोड़ा शायद ओवरबॉट हो चुका हो, बट टेक्निकली अगर कोई एक मोमेंटम ट्रेडर है तो डेफिनेटली 810 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी भी इसमें बाइंग कर सकता है। 830-835 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, बट डेफिनेटली स्टॉप लॉस इसमें बहुत टाइट रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो चुका है। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आज करेक्शन है चूंकि न्यूज़ जिस तरीके से आई है मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा उसको रिएक्ट करता है, बट नेवरदिलेस काफ़ी स्ट्रांग इसका भी स्ट्रक्चर है जिस तरीके के रिजल्ट्स भी आए थे और वहाँ से इसमें एक तेज़ी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई है। वो कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सेलिंग आनी चालू हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी सेल करना चाहते हैं या इंडसइंड की स्टोरी को भी सेल करना चाहते हैं फंडामेंटली भी। तो काफ़ी स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर स्टॉक भी, बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा मैं, 1210-1220 के आसपास बाय करें। जी, तो नज़र रखिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर। लेकिन NBFC की बात हुई है अभी भारत फाइनेंशियल की, तो एक और स्टॉक देख लेते हैं, वो इक्विटास होल्डिंग का, और नंबर्स भी आए हैं इस कंपनी के और उन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ HKN राघवन मौजूद हैं जो कि हेड हैं कंज्यूमर बैंकिंग डिवीजन के इक्विटास होल्डिंग से। मिस्टर राघवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। हालांकि ऐसे समय पर हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं जब अर्निंग के साथ साथ बजट एक और ट्रिगर है जिस पर आपके व्यूज़ लेना चाहेंगे, अर्निंग्स पर मैं बात करूँगी, लेकिन पहले ये बताइए जो बजट रहा कल का, जो अनाउंसमेंट वित्त मंत्री ने की रूरल इकोनॉमी के लिए या फिर फाइनेंशियल सेगमेंट के लिए, वो आपको कैसे लगे, कैसे रेट करते हैं आप? जहां तक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो एक सेगमेंट हम जो डील कर रहे हैं वो सेगमेंट है जो बेसिकली बैंकिंग के पेनिट्रेशन बहुत कम है, उस स्पेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स हैं और उससे बढ़कर नेक्स्ट सेगमेंट के जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल है। तो ऐसा अपने पास बुनियादी तौर पे लगभग 30 लाख क्लाइंट्स हमारे पास हैं। सो इसके चलते हुए हाउसिंग का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ कि उभर के आएगी, क्योंकि
हाउसिंग के ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट होगी और एक अरेंजमेंट भी मिल सकती है वहाँ। और दूसरी बिकॉज हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की दर्जा भी दिया है, सो हमारी जो कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो क्लाइंट बेस है प्लस अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसको हम अपॉर्चुनिटी लेकर के हम एक्सपेंड कर सकते हैं हाउसिंग में। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मेरे ख्याल से यूज्ड कमर्शियल व्हीकल पे बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने के लिए, क्योंकि बेहतर रोड्स होंगे तो डेफिनेटली ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज्ड कमर्शियल व्हीकल की बढ़त होगी, और जब वो सेक्टर बढ़त होगी हम यूज्ड कमर्शियल व्हीकल में ऐसे भी हम हमारी पेनेट्रेशन है तो उसका फायदा भी हमें मिलेगा। ये आपने मिस्टर राघवन इनफैक्ट आपने काफी इंपॉर्टेंट बात अभी कही, अगर अभी का जो आपका की एसेट पोर्टफोलियो है उसमें एमएससी लोन ऑफरिंग्स हैं, यूज कमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग है, तो अब क्या आपके की फोकस प्रोडक्ट्स में हम हाउसिंग का भी पार्टिसिपेशन देखेंगे आगे आके? हाँ, हाउसिंग पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी फोकस होगी आने वाली दिनों में, एक बड़ा फोकस होगी हाउसिंग पे डेफिनेटली। और हमारा जो सेगमेंट है आपको मालूम ही है कि हम उस सेगमेंट में डील कर रहे हैं जहाँ पेनेट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली बैंक की पेनेट्रेशन बहुत कम है। हमारी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि इस पर हम एमबीएसपी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम हमारी जो रीच है और पेनेट्रेशन है वो बहुत अच्छा है, एंड बैंक होने के नाते हमारी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे वो एनबीएफसी से बेहतर होंगे, तो इस यूनिक पोजीशन में हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन रहेगी जो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी को लेने में बहुत फायदा होगा हमारे लिए। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर राघवन, आपने बातचीत की जी बिजनेस और आपने व्यूज शेयर किया। हालांकि इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि अब उनके की एसेट पोर्टफोलियो में हाउसिंग का भी जो पोर्टफोलियो है वो सिग्निफिकेंट रहेगा आगे जाते हुए, बजट में जिस तरह की अनाउंसमेंट्स हुई हैं स्पेशली उसके बाद। अब जो ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं बजट पर वो अब समझेंगे। पूजा मेरी सहयोगी मौजूद हैं, सुमित, अंचल और संदीप, आप तीनों का शुक्रिया।